हाय हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आज से ये फॉर्म्स शुरू हो गए हैं और 22 नवंबर तक आप ये फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। तो बहुत बेसिक सा प्रोसेस है कि आपको गूगल के ऊपर जाना है, दिल्ली हाई कोर्ट सर्च करना है और दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिसेस की तरह यहाँ पे अपने राइट हैंड पे दिख रहा होगा, जिसके ऊपर मैं कर्सर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन डेली सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पीडीएफ है जो 7 नवंबर को आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्राउज़र का लिंक मिलेगा। इस ब्राउज़र के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका इस तरीके से ये फॉर्म जो है भर के आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल जो है फिल करनी है। तो सबसे पहले इसने बेसिक डिटेल दे रखी है कि बेसिक डिटेल क्या क्या होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर फीस वगैरह सारी बता रखी है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपीज़ फ़ीस जा रही है और SC ST से तो 400 रुपीज़ फ़ीस जा रही है। और इसके अलावा ना आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि स्टेप टू के ऊपर जाएंगे। पहले आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको ये सारी डिटेल जो है होनी चाहिए। आपके पास आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, कलर हो सकती है, 80% फेस होना चाहिए विदाउट मास्क, आपके ईयर्स जो है वो विजिबल होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट के अंदर, स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पास अपने, अगर आपका PW सर्टिफिकेट या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ जो आपकी जो स्कैंड है वो 10 KB टू 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो आपका स्कैन जो सिग्नेचर स्कैन था वो 4 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट्स थे, जो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के थे, ये आपके 100 KB से 300 KB के बीच के अंदर होने चाहिए। एंड जब आप ये अपनी सारी डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद आपकी फ़ीस पेमेंट होगी और आपका जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर ये जो भी है आपको करना है कि मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ। मैं जो 3 एलिजिबिलिटी थी वो आपको इसके लिए टिक करना है कि मैं मेरी एज 32 से कम की है, ये सब चीज़ें हैं। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इसके बाद आपको अपना नाम और ये सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे आप कुछ भी डिटेल्स अपने, जैसे मैं एक इमेजिनरी डिटेल भर देता हूँ, जैसे राज नाम डाल देता हूँ, फादर्स नेम इसका लिख देते हैं, जैसे इसके फादर का नेम कुछ भी रख दो, राम रख दो नाम इसका, मदर का नेम सीता रख दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है इसके अंदर आप इसकी जैसे 15 मार्च रख दिया हमने, लेकिन इसकी एज जो है वो इतनी रखनी है कि वो 32 से ज़्यादा ना जाए, तो जैसे 1998 कर दिया आपने। जेंडर जो है मेल कर दिया। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आप यूज़ करोगे, मान लो पैन कार्ड यूज़ करोगे, तो पैन कार्ड यहाँ पे आपका इसकी सही डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आप इसका एड्रेस पूरा फिल करोगे, जो भी एड्रेस पड़ता है। देन आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस ठीक डालना है, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेशन होगी, और आपको अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक डालना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपका मेन नंबर नहीं मिलता तो उसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपने करंट एड्रेस से फिल किया, तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दोगे तो ये सेम यहाँ पर सब कुछ भर जाएगा। देन आपका पासवर्ड होगा यहाँ पर, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, एंड कंफर्म पासवर्ड करके आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है और आप इसको सबमिट कर दोगे। देन आपके आपके पास आपका जो आईडी मतलब जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके थ्रू फिर आप क्या करोगे, अपना आपके जो ये फ़ोटो है और जो वो चीज़ें हैं वो सारी आप फिल कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के आप फिर लॉगिन कर सकते हो। जब आपकी सारी यहाँ पे ये सारी हो जाएंगी, ये पहले का एप्लीकेशन नंबर है, अभी का नहीं है, तो ये जब हो जाएंगी चीज़ें पूरी, तो उसके बाद आप अपना जब आपने फ़ोटो लगा दी, सिग्नेचर लगा दी, ये सब कर दिया जो जो कि 100 के जो बताया था कि 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, उसके बाद आपकी फ़ीस पे होगी। फ़ीस आपकी तीनों तरीके से पे हो सकती है, तीनों चारों तरीके से, जितने ऑनलाइन मोड है आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप पे करना चाहते हो वो आप पे कर सकते हो। और आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम है आपका कब कंडक्ट होगा, 10 दिसंबर 2023 को ये कंडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके, जहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एग्जामिनेशन सर्विसेज की वेबसाइट पर अपने आप डायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं।